अगस्त माह में बुध ग्रह का राशि परिवर्तन। कर्क से सिंह राशि में करेंगे प्रवेश। बुद्धि और धन धान्य के कारक बुध की बदली बदली चाल। किन लोगों के जीवन में आएगा बदलाव। बुद्धि के बल पर किन लोगों को मिलेगी सफलता। किन लोगों की भरेगी तिजोरी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा और हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कोई ग्रह दर्शकों चाल बदलता है, अपनी दिशा बदलता है, तो उसका असर आपकी जिंदगी पर जरूर पड़ता है। ना सिर्फ आपकी जिंदगी पर, आपसे जुड़े हुए लोगों पर भी उसका असर पड़ता है। आज ये सारी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। कर्क राशि से निकलकर वो सिंह राशि में जा रही हैं और ऐसा होगा 9 अगस्त को, तो निश्चित तौर पर आप पर उसका असर पड़ने वाला है। समस्त 12 राशियों पर इसका असर कैसे पड़ेगा ये हम जानेंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी से। मयंक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद नम्रता जी, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। और मयंक जी, इससे पहले हम विस्तार से चर्चा करें कि 12 राशियों पर कैसे असर पड़ेगा इस राशि परिवर्तन का, उससे पहले मैं चाहूँगी आप बता दें कि बुध किन चीज़ों का कारक है। देखिए, बुध जो है सबसे पहले बुद्धि का कारक है, बुध नाम ही इसका ज्ञान का कारक है, गणित का कारक है, ज्योतिष का कारक भी माना गया है। बुध हमारी वाणी को भी संचालित करता है। कोई व्यक्ति की वाणी कितनी मधुर है, उसकी मेमोरी कितनी शार्प है, ये बुध तय करेगा। यानी कि आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि एक बार किसी चीज़ को पढ़ लें तो कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति का बुध उच्च का होगा। बुध आदित्य राजयोग होगा कुंडली में, या बुध कुंडली में शानदार योग बनाकर बैठा होगा। तो बुध का मजबूत होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट स्टेज जो शुरुआत होती है हमारी शिक्षा से, स्टूडेंट्स की, बच्चों की, अगर बुध मजबूत है तो बच्चे पढ़ाई में अव्वल आते हैं, मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर बुध राजयोग बना के बैठा है तो ऐसे ही बच्चे फर्स्ट या सेकंड ग्रेड लेते हैं, थर्ड ग्रेड में रहते हैं, यानी कि टॉप 3 में रहना पसंद करते हैं या टॉप 10 में रहते हैं। तो बुध का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है कुंडली में। बुध आपको धन भी देता है, बुध आपकी लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर रखता है, आपके स्वभाव को बहुत ही अच्छा रखता है, मधुर स्वभाव बना के रखता है। अगर आपका बुध मजबूत होगा तो आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट बन सकते हैं, आपकी एक से ज़्यादा इंडस्ट्री होगी, कई शहरों में आपका बिजनेस होगा, विश्वविख्यात आप हो सकते हैं। बुध ज्ञान का कारक भी है, अगर आप ज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, आप वक्ता बनना चाहते हैं, तो यहाँ अगर आपकी कुंडली में बुध मजबूत है तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलती है, आप कथावाचक बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो बुध जो है कई मायनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे शरीर में स्नायु तंत्र का कारक भी बुध होता है, अगर बुध मजबूत होता है तो व्यक्ति घबराते नहीं है जल्दी, उसके हाथ पैर नहीं फूलते हैं, वरना कमज़ोर बुध वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर डिसीजन पावर बड़ी कमज़ोर होती है, फैसले लेने की क्षमता भी बड़ी कम होती है। तो कुंडली में इसलिए कहते हैं कि बुध का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बुध रहेगा, अगर आपके पास बुद्धि है, विवेक है, तो आप सभी कार्य अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब दिमाग ही सही काम नहीं करेगा तो व्यक्ति के पास फिर कुछ नहीं हो सकता है, वो अपने पास जो भी चीज़ें हैं उनको भी खो सकता है। तो इसलिए बुध मजबूत है तो सब कुछ ठीक रहेगा। चलिए, और अब बात कर लेते हैं तमाम राशियों की। सबसे पहले शुरुआत मयंक जी मेष राशि के साथ करते हैं, कैसा असर पड़ेगा। देखिए, मेष राशि पर शुरुआत करें उससे पहले बता दें कि बुध जब राशि परिवर्तन करके 9 अगस्त को कर्क से सिंह में आएंगे, अभी तक बुध आदित्य राजयोग बना के बैठे थे, अब ये अपने मित्र के घर आके बैठ गए हैं, सूर्य के घर में। यहाँ पर ये शुक्र के साथ बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं, तो यानी कि मंगल इनका शत्रु है, शुक्र इनका मित्र है। तो शुक्र के साथ ये, शुक्र यहाँ पर अभी तकरीबन 2 से 3 दिन रहेंगे इस राशि में, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी हो रहा है जो कि बहुत शुभ रहेगा। तो और 3 ग्रह एक साथ भी बैठ रहे हैं, तो ये क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर ये बताएंगे आज, क्योंकि तिघरी योग का प्रभाव भी पड़ने वाला है। तो मेष राशि पर क्या असर पड़ेगा ये बता देते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए बुध का प्रभाव बहुत ही अच्छा रहेगा, छात्रों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा बुध का राशि परिवर्तन, काम कारोबार में आपको सफलता मिलेगी और नई नौकरी प्राप्ति के भी योग बनेंगे मेष राशि वालों। वृषभ राशि वालों पर कैसा असर? वृषभ राशि वालों के सुख साधन बढ़ेंगे, आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको नई नौकरी के योग हैं, काम कारोबार अच्छा रहेगा। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि पर क्या असर पड़ेगा? मिथुन राशि वालों, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, पराक्रम भाव में बुध रहेंगे तो पराक्रम की वृद्धि होगी। जो लोग खिलाड़ी हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य की वृद्धि होगी, पिता का पूर्ण सहयोग इस समय मिलेगा, पिताजी की सेहत भी अच्छी रहेगी। काम कारोबार के लिए ये योग थोड़ा सामान्य आपका रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बुध की डिग्री बदलेगी, समय आगे बढ़ेगा, तो आपको सफलता भी मिलती हुई नजर आएगी। कर्क राशि, चूंकि इसी से वो निकल रहे हैं, तो उन पर कैसा असर पड़ेगा? कर्क राशि वालों के लिए धन स्थान में जा रहे हैं तो धन प्राप्ति के योग बनेंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, काम कारोबार भी अच्छा रहेगा, और बुध की जो दृष्टि है वो बृहस्पति पर पड़ रही है, वो भी बहुत ही शुभ रहेगी, तो आपके लिए सौभाग्य की प्राप्ति का योग बनेगा। सिंह राशि के जातकों पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, सिंह राशि में ही ये योग बन रहा है तो सिंह वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग बना रहेगी, धन वर्षा होगी आपके ऊपर, काम कारोबार में तरक्की होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सेहत भी आपकी यहाँ बहुत अच्छी रहती हुई नजर आ रही, तो किसी तरह की कोई परेशानी सिंह राशि वालों आपको नहीं रहेगी, पर गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो कन्या राशि वालों के इस राशि के स्वामी 12वें घर में चले गए हैं तो यात्राओं का योग बनेगा, दूर की यात्रा होंगी, जो लोग ट्रैवल एजेंट हैं या इनका काम यात्रा करने का बिजनेस है, नौकरी है, उनको अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन यहाँ सेहत थोड़ी नासाद रहेगी, सेहत का ध्यान रखें, अधिक खर्च से बचें, खान पान पर भी थोड़ा संयम बरतें। तुला राशि वालों के लिए क्या? बहुत ज़बरदस्त लाभ के योग हैं, क्योंकि आपके लाभ स्थान में शीघ्र ही योग बन रहा है, लाभ ही लाभ होगा, व्यवसायियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इस समय आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा समय है, संतान सुख के योग बनेंगे और आपके संतान की तरक्की भी होगी। वृश्चिक राशि पर कैसा असर होगा? वृश्चिक राशि वालों के दशम भाव में ये योग बनेगा, आपके काम कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं, नए काम की शुरुआत के योग बन रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी, कुल मिलाकर आपके लिए ये सौभाग्य वाला समय रहेगा, क्योंकि दशम भाव में आपके मंगल भी हैं तो ये कुलदीपक राजयोग बन रहा है, उच्च कोटि के मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। धनु राशि के जातकों पर कैसा असर होगा? धनु राशि वालों के लिए ये योग बहुत ही शानदार रहेगा, भाग्य वृद्धि के संकेत रहेंगे, आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, काम कारोबार में तरक्की होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, अगर आप घर या वाहन लेना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइम है, इस समय का धनु राशि वालों को फायदा उठाना चाहिए। मकर राशि के जातकों पर? मकर राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा मिला जुला रहेगा, उनकी सेहत कुछ इस समय ठीक नहीं रह सकती है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी परेशानियाँ रह सकती हैं, काम कारोबार में भी थोड़ी अस्थिरता रहेगी, लेकिन चिंता ना करें, अगर आप देखेंगे 15 तारीख के बाद समय में बदलाव आएगा, 15 अगस्त के बाद सितारे बलवान हो रहे हैं, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी, काम कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा। और अब बात कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि वालों के लिए काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा है, वैवाहिक सुख भोगेंगे आप, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़ा तनाव बना रहेगा, क्योंकि मंगल भी साथ में बने रहेंगे, वाणी पर संयम बरतेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करना चाहिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा है, कारोबारियों को भी इस समय काफ़ी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब बात मीन राशि के जातकों की। मीन राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा मिला जुला रहेगा, खर्च भी अधिक रहेंगे, किसी मानसिक तनाव से इस समय आप पीड़ित रहेंगे, लेकिन चिंता ना करें, 15 अगस्त के बाद स्थिति बेहतर होगी, काम कारोबार भी अच्छा रहेगा, अन्य तरह की समस्या से भी राहत मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, कुल मिलाकर आपके लिए समय 15 अगस्त के बाद का काफ़ी अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों, नौकरी पेशा हो चाहे व्यापारी हो, आपको भी निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है, स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और जाते जाते मयंक जी उपाय। देखिए, अगर आपको बुध से संबंधित कोई परेशानी आ रही है तो आपको क्या करना है, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, हरी मिठाई का दान करें तो विशेष लाभ मिलेगा, इलायची का सेवन करें, सौंफ का सेवन करें, विशेष लाभ मिलेगा, गणेश जी की आराधना करने से कहना चाहिए कि आपको विशेष लाभ मिलेगा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, ओम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा और आपको हर तरह की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।